Travel with AK. The first one. This one. Wow! Nice to meet you. वे क्रिश्चियंस का ऐसा मानना है जो नोआस आर्क थी, जो नूह अलैहिस्सलाम की जो नाव थी, वो इस पहाड़ में आके फंसी हुई थी, ऐसा उनके बाइबल में लिखा हुआ है। ये देखिए भाई, पहली झलक आप लोगों को सोवियत ट्रेन की। 20,000 की भी नोट रहती है और ये जो 5,000 देख रहे हो ये इंडिया के 1,000 रुपया होता है। यहाँ का माहौल जो है ना भाई, बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पर अभी फाउंटेन वाला शो चालू होने वाला है और यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ी मार्केट लग गई है। हेलो एवरीवन, तो स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक और नए वीडियो में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्मेनिया के कैपिटल येरेवान में। आप मेरे पीछे देख सकते हो येरेवान का सिटी सेंटर, इसको बोलते हैं रिपब्लिक स्क्वायर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ से सिर्फ 200 मीटर दूर है मेरा हॉस्टल, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, उसकी भी झलक आप लोगों को दूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को घुमाने वाला हूँ येरेवान सिटी, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सिटी है। ऐसी सिटी आज तक विजिट नहीं किया और ये सिटी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, तकरीबन आज से 2800 साल पहले बनाई गई थी। तकरीबन 782 BC में स्टार्ट हुआ था। और आप रोम सिटी के बारे में तो जानते रहेंगे, जो कि इटली में, ये इटली की रोम सिटी से भी भाई 20 साल पुरानी है। बहुत ही अमेजिंग सिटी है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आप लोगों को देखने मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा शहर घुमाने वाला हूँ, बहुत ही अमेजिंग साइट आप लोगों को विजिट करने वाले हैं। यहाँ का हम खाना ट्राई करेंगे, कॉफ़ी ट्राई करेंगे, यहाँ की मार्केट दिखाऊंगा, यहाँ के लोकल लोग से बात करेंगे हम, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप लोगों को एक ही वीडियो में देखने मिलेगी। हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बताने भूल गया कि भाई ये एक एक्स सोवियत कंट्री है आर्मेनिया, और आप लोगों के यहाँ सोवियत स्टाइल आर्किटेक्चर भी देखने मिलेगा। बहुत मजा आने वाली है, लास्ट तक आप बने रहिए, सारी चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यार स्टार्ट करते हैं येरेवान सिटी को एक्सप्लोर करना। सबसे पहले आप लोगों को मिला देता हूँ, ही इज सैम फ्रॉम ईरान। नमस्ते। और जिस हॉस्टल में रुका हुआ हूँ ये वहाँ पर काम करते हैं, हॉस्टल में फ्री थे तो मैं बोला भाई चलिए साथ में हम एक्सप्लोर करेंगे सिटी को। तो आप देख सकते हो यार, ये है यहाँ का सिटी सेंटर, कितनी ज़्यादा अच्छी अच्छी बिल्डिंग आप लोगों को देखने मिलेगी और साफ सफाई आप लोगों को, भाई एक छोटा कचरे का टुकड़ा भी आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा। इसको रिपब्लिक स्क्वायर बोलते हैं, जहाँ रात में जो सामने आप देख रहे हो फाउंटेन, यहाँ पर फाउंटेन शो होता है, वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और बाकी सारी चीज़ें देखिए भाई, ये मेरा पहली बार एक्सपीरियंस है एक एक्स सोवियत कंट्री में। और आप लोगों को बता दूं, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 97% जो है वो क्रिश्चियन है। ये कंट्री सबसे पहली कंट्री है जो क्रिश्चियनिटी ऐसे कंट्री का रिलीजन चूज किए थे आज से तकरीबन 1700-1800 साल पहले, 301 AD में। और वेदर बहुत अच्छा हुआ है अभी के टाइम पे, आप देख सकते हो ज़्यादा धूप नहीं है, टेम्परेचर है 30 डिग्री। तो चलते हैं आगे और देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ देखने के लिए। तो यार सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ की आप लोगों को मार्केट दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा अलग और बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ें आप लोगों को इधर की मार्केट में देखने मिलेगी। और ये देखिए, ये एक है गवर्नमेंट बिल्डिंग यहाँ की, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अभी किस चीज़ की ऑफिस है वो तो मालूम नहीं, लेकिन ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है। और आप यहाँ देख सकते हो सारी पुलिस देख सकते हो यहाँ पर खड़ी हुई है। तो चलते हैं, हमको इस तरफ जाना है, 200-300 मीटर दूर यहाँ पर एक मार्केट है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ की मार्केट होती कैसी है। ये एक ही वीडियो में आप लोगों को यहाँ की मार्केट से लेके यहाँ की सारी चीज़ें, पूरा का पूरा शहर आप लोगों को एक ही वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो काफ़ी मज़ा आने वाली है। चलते हैं हम इस तरफ। और यहाँ के सिटी सेंटर पे आप लोगों को ऐसा चार्ट बहुत सारी गाड़ियों पे देखने मिलेगा। अगर आप लोगों को पैकेज खरीदना है या यहाँ से कोई दूसरी सिटी में जाना है तो आप यहाँ से पैकेज खरीद सकते हो। ये आप लोगों को हर जगह देखने मिलेगा, उस तरफ भी सारा ऐसा देखने मिलेगा। यहाँ देखिए, ये है यहाँ का लोकल बस स्टॉप, जो कि काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक लग रहा है। देखिए ये ऐसा होता है यहाँ पे बस स्टॉप, और काफ़ी अच्छी सिटी लग रही है भाई, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। रात में जब ये सब लाइट जलती है तो यार बहुत ही ज़्यादा और खूबसूरत हो जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ऐसा आप लोगों को इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने मिल जाएगी, एक स्टेशन लगे रहता है, यहाँ पर आपको स्कैनर मिल जाएगा, स्कैन करो और ये स्कूटर यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो यार ऑलमोस्ट हर जगह आप लोगों को, दुनिया में भाई मेरा ख्याल है सब जगह आप लोगों को इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने ही मिल जाएगी आजकल, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक का टाइम है, तो ऐसा कुछ सीन है। और यहाँ देखिए रोड पर गाड़ी खड़ी करके रखे हैं सारी, और ये कुछ एक पार्क जैसा लग रहा है। उस तरफ आके देख सकते हो 100-150 मीटर बचा है, वहाँ पर है मार्केट। तो यार ये देखिए, सोवियत के टाइम का आप लोगों को फाउंटेन देखने मिलेगा, क्या बात है यार। 1991 तक सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। बहुत सारी बिल्डिंग आप लोगों को ये देखिए, यहाँ पर ये है मेट्रो स्टेशन, ये नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, वो भी सोवियत के टाइम का है, तो आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। तो देख सकते हो यहाँ की हम लोकल फ्ली मार्केट में आ गए हैं, और इस मार्केट का नाम है वर्निसाज, आप देख सकते हो। और इस मार्केट में भाई आप लोगों को बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने मिलेगी। जो सबसे स्पेशल आप लोगों को चीज़ देखने मिलेगी वो है चेस, उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ भाई। यहाँ पर इतने सारी चेस की दुकानें क्यों, इतने सारी चेस क्यों मिल रहा है। पहली दुकान पर आप देख सकते हो यहाँ पर चेस मिल रहा है, तो आप लोगों को दिखाता भी और बताता भी हूँ क्यों ये यहाँ पर इतना सारा चेस मिलता है। यहाँ पर एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है वो है ये फाउंटेन। आप लोगों को फ्री में पानी पीना है तो कहीं भी आप ये ऐसा ओन करके पी सकते हो भाई, ये हर जगह आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ की ये पहली दुकान है, यहाँ पर स्टार्टिंग में आप लोगों को पूरे चेस देखने मिलेंगे और काफ़ी अलग अलग आप लोगों को लकड़ी की चीज़ें देखने मिलेगी। तो चलते हैं हम अंदर, यहाँ की मार्केट में हमारी एंट्री हो गई। और यहाँ में जो सारी चीज़ें हैं वो भाई मोस्टली लकड़ी की चीज़ें आप लोगों को देखने मिलेगी, और चेस आप देखिए भाई हर दुकान में आप लोगों को चेस देखने मिलेगा।
क्योंकि चेस जो है यहाँ पर तकरीबन 1400 साल से खेल रहे हैं, तकरीबन 6-7 सेंचुरी से यहाँ पर चेस खेल रहे हैं। एक और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही यूनिक चीज, 2011 के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने, आर्मेनियन गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि हर बच्चे को चेस आना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे चेस चैंपियन आप लोगों को देखने मिलेंगे और ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन को चेस खेलने आते हैं। तो देख सकते हो कितनी ही ज्यादा अच्छी हाई क्वालिटी का आप लोगों को चेस देखने मिलेगा। मुझे तो इतना अच्छा खेलने नहीं आता, लेकिन यहाँ पर जो चेस मिलता है उसकी क्वालिटी अलग लेवल की रहती है और बहुत सारे सुवीनियर भी आप लोगों को देखने मिलेंगे। मार्केट ज्यादा कुछ बड़ी नहीं है, तकरीबन 200 से 300 मीटर की होगी। आप देख सकते हो वहां पर स्ट्रीट थी वो थोड़ी चौड़ी थी, और आप इस तरफ देखोगे यहाँ थोड़ी सी पतली हो गई है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या सारी चीजें हैं, उधर तो सारी लकड़ी की चीजें थी लेकिन यहाँ पर कुछ अलग चीजें देखने मिल रही है। ये देखिए भाई छुरी वगैरह भी और बहुत सारी चीजें यार। ये देखिए रिंग भी है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी, बैग वगैरह, स्कार्फ वगैरह। यहाँ से मैं लूंगा एक ब्रेसलेट अपने लिए और एक ब्रेसलेट सैम भाई के लिए, क्योंकि भाई मेरे साथ आए हैं तो एक इतना तो बनता ही है। और साथ में भाई मुझे फ्रिज मैग्नेट भी लेना है, देखते हैं फ्रिज मैग्नेट मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ का ट्रेडिशनल चीजें भी रखी हुई है। आर्मेनियन स्लीपर, आर्मेनियन, इट लुक्स रियली नाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। देख सकते हो यहाँ पर सारी जूती वगैरह है, और ये जूता है मुझे लग रहा है लेदर से बना हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हो सारी आर्मेनियन टोपी जो हमारे हिमाचल में पहनते हैं ना, बिल्कुल वैसी लग रही है। देखिए आर्मेनिया की टोपी, बैग वगैरह, कारपेट, यहाँ पर ट्रेडिशनल चीज़ें भी आप लोगों को पूरी देखने मिलेगी। छोटे बच्चे लोग का स्लीपर भी रखा हुआ है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी मार्केट है। ओह इधर इस तरफ देखिए यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स है, क्या बात है, काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग है यार। अच्छा ये साइड मेरा ख्याल है पूरी पेंटिंग है, हम चलते हैं उसी तरफ मार्केट को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर एक दुकान है जहाँ पर लकड़ी के क्या अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने मिलेगी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, चेस तो जैसे कि आप लोगों को बताया, चेस पूरा भर भर के एक से एक क्वालिटी का आप लोगों को देखने मिलेगा। क्या क्या चीज़ें है यार यहाँ पर, सारा लकड़ी का और आर्मेनियन टच है। ये मेरा ख्याल है इसमें बियर रखते हैं, इसमें दारू रखते हैं, देख सकते हो यहाँ पर नल है। काफ़ी सही सही चीज़ें यार, अगर आप शॉपिंग करने आओगे बहुत सारी चीज़ खरीद सकते हो। ये क्या है भाई, ये देखिए, ये देखिए अनार सजाने के लिए शोकेस। यहाँ पर तो भाई बंदूक भी मिल रही है, बहुत ही मस्त दुकान थी भाई ये वाली। तो भाई काफी ज्यादा ठंडा और काफी ज्यादा अच्छा फ्री में पानी आप लोगों को यहाँ पीने मिल जाएगा, बिस्लरी लेने की जरूरत नहीं, पूरे शहर में आप लोगों को ये देखने मिलेगा। तो चलते हैं थोड़ी सी मार्केट और बची है, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ और भाई मुझे ब्रेसलेट खरीद लेते हैं, फिर हम निकलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट और ब्रेसलेट मिलेंगे। भाई ब्रेसलेट तो बहुत महंगा बोले, 600 रुपये मांग रहे हैं वो ब्रेसलेट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है। लेकिन ये जो फ्रिज मैग्नेट है भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसका सिर्फ 100 रुपये मांग रहे भाई, तो ये ठीक है यार, ये लेते हैं। फिर देखते हैं कोई दूसरी दुकान से हम ब्रेसलेट लेंगे, दिस इज़ गुड, वेरी प्रीटी। हाँ भाई तो ये 100, ये 500 बोल रहे हैं इसका, 100 रुपये तो एक ये लेते हैं। ब्रदर दिस वन 500। तो मार्केट से निकल गए और एक खाली फ्रिज मैग्नेट लिया, ब्रेसलेट नहीं लिया। ब्रेसलेट भाई 700-800-900 रुपए का बोल रहे थे, जो कि क्वालिटी एवरेज थी। तो मैं बोला भाई बाद में कोई और दूसरी मार्केट से या फिर बाद में आके हम ले लेंगे। तो चलते हैं हम, अब हमको जाना है कैस्केड, जो कि भाई एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप लोगों को दिखाऊंगा भाई, जहाँ से पूरा पहाड़ दिखता है, जहाँ से टर्की दिखता है। ये जो सिटी है ये तुर्की से तकरीबन आप समझ सकते हो 15 किलोमीटर दूरी है, 15 किलोमीटर बाद से तुर्की स्टार्ट हो जाता है। तो हम जहाँ जा रहे हैं कैस्केड, वहाँ से पूरा तुर्की वगैरह दिखता है, वहाँ से बहुत ही फेमस माउंट आरारात दिखता है, उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बाद में देता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को मैं ज्यादा टाइम दिखाया था, वहाँ पर है मेट्रो स्टेशन, वहाँ से हम मेट्रो लेंगे। यहाँ से बस एक ही स्टॉप है, पैदल जाएंगे तो 15-20 मिनट लगेगा। तो हम चलते हैं मेट्रो से और आप लोगों को दिखाता हूँ भैया कि मेट्रो होती कैसी है। सोवियत स्टाइल का मेट्रो स्टेशन पहली बार एक्सपीरियंस होने वाला है यहाँ पर। ये देखिए भाई सीढ़ी वगैरह कितनी पुरानी दिख रही है, यहाँ पर एक स्टैचू सा लगा हुआ है। तो चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाता हूँ सोवियत मेट्रो कैसी होती है। देखिए भाई एंट्रेंस जो है वो हमको नीचे जाना है यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हो मेट्रो स्टेशन की साइन बनी हुई है, क्या बात है, इट्स रियली नाइस। यहाँ से नीचे आए हैं और यहाँ मेट्रो स्टेशन के अंदर आप लोगों को फाउंटेन देखने मिलेगा, अभी तो यूज में नहीं है, सोवियत टाइम का आप लोगों को यहाँ फाउंटेन देखने मिलेगा, जो कि भाई जब चलता होगा तो काफी ज्यादा अच्छा लगता होगा। तो चलते हैं हम अंदर, देखते हैं भाई टिकट वगैरह का क्या सीन है, कितने की आती है, जैसा भी रहता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो ऐसी काउंटर बने हुए हैं जहाँ से आपको टिकट मिलेगी। ओके सो इट्स लाइक कॉइन, प्लास्टिक कॉइन्स। हाउ मच वाज द टिकट? 100 ड्रम। ओके 100 ड्रम इज 20 रुपीज, इंडियन रुपीज 20 रुपीज। तो भाई 20 रुपए की टिकट मिली है और ऐसी कुछ टिकट दिखती है भाई। देखिए यहाँ पर डाल के अंदर जाना है, क्या बात है। ओ भाई साहब काफ़ी ज़्यादा डीप है यार, पहले आप देख सकते हो एक दो माला नीचे आए हैं और यहाँ भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाना है, और ठीक ठाक लग रही है यार,
डिजाइन वगैरह तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है. मस्त है यार. पहला इम्प्रेशन आप देख सकते हो सोवियत टाइम के मेट्रो स्टेशन पे, लेकिन सफाई काफी ज्यादा अच्छी है भाई. कचरा भी यहाँ आप लोगों को एक छोटा भी देखने मिला. विच साइड यू हैव टू गो? दिस वे. ओके, ओनली वन स्टेशन. तो भाई यहाँ से सिर्फ एक स्टेशन है जैसा कि आप लोगों को बताया मैं. और ये देखिए ऐसा कुछ सीन है, ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं है. और यहाँ पर आप देख सकते हो रशियन लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है और वहाँ पर आर्मेनियन लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है. ये देखिए ऐसी कुछ दिखती है आर्मेनियन लैंग्वेज. आर्मेनियन लैंग्वेज के भी बारे में आप लोगों को बहुत डिटेल में बताना है भाई. इतनी छोटी कंट्री है, सिर्फ 30 लाख लोग की कंट्री है, लेकिन आप लोगों को यहाँ एक सेपरेट लैंग्वेज देखने मिलेगी. ट्रेन आ जाए, आप लोगों को ट्रेन दिखाता हूँ. हम हमारे स्टॉप पर चलते हैं, बस एक ही स्टॉप है जैसे कि आप लोगों को बताया. ये देखिए उस साइड की मेट्रो आई, देखिए ऐसी कुछ होती है. हमारी कहाँ पर है भाई, हमारी क्यों नहीं आ रही है? और ये देखिए आ गई है हमारी ट्रेन, जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, लिटरली कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. ये देखिए पहली झलक आप लोगों को सोवियत ट्रेन की. फिर ठीक ठाक लग रही है और काफ़ी पुरानी सी लग रही है. देखिए तो चलते हैं अंदर, आप लोगों को अंदर से भी दिखाता हूँ. सेम हाउस द ट्रेन, रियली गुड. ऐसी कुछ होती है, भीड़ इतनी नहीं है. और तो यार पहुंच गए हम हमारे स्टॉप पे. मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट लगा और इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है, इतनी खतरनाक आवाज़ आती है. आवाज़ ही बहुत ज़्यादा आती है और हिलती भी भाई बहुत अलग लेवल की. अगर आपके पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं है तो आप लिटरली गिर जाओगे. आर्मेनिया को इजीली कंपेयर कर सकते हैं यूरोप की कोई भी अच्छी सिटी से भाई. आप लोगों को चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने मिलेगा. बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कैफेज आप लोगों को देखने मिलेंगे. देखिए चारों तरफ आप जहाँ देखेंगे आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे कैफेज देखिए. पूरे लाइन से यहाँ भी कैफे हैं और देख सकते हो सामने भी हैं. और ये देखिए यहाँ की है पब्लिक ट्रांसपोर्ट. और यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट भाई अब तक की मेरी सबसे सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट है. क्योंकि भाई आप लोगों को यहाँ चाहे पहला स्टॉप जाना है, चाहे आखिरी स्टॉप जाना है, चाहे ट्रेन में चाहे मेट्रो में, सिर्फ आप लोगों को 20 रुपये लगेगा. 20 रुपये में आप शहर में कहीं भी जा सकते हो. और यहाँ देखिए भाई बहुत ही अच्छी अच्छी कैफेज हैं. तो हम सोच रहे हैं भाई बैठ के पहले थोड़ा सा यहाँ कॉफ़ी पीते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे. सामने कैस्केड है, वो आप लोगों को दिखाता हूँ भाई. बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग जगह है. यहाँ पर देख सकते हो एक कॉफ़ी शॉप है जो कि काफ़ी ठीक ठाक लग रही है. तो यहाँ से कॉफ़ी लेते हैं और यहाँ बैठ कर पीते हैं, फिर हम चलेंगे एक्सप्लोर करने. भाई यहाँ पर है तो बहुत सारे ऑप्शन. मैं लिया हूँ भाई कॉफ़ी प्लस न्यूटेला. कोल्ड 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 बिग वन बिग वन. तो भाई कॉफ़ी प्लस न्यूटेला आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है. स्मॉल जो है वो है 500 का और जो बिग है वो 800 का. जो छोटा वाला हुआ वो 110 रुपये का है, जो बड़ा है वो 150-160 रुपये का है. तो काफ़ी ठीक ठाक प्राइस है. ऐसी जगह पे आप लोगों को 100-150 रुपये की कॉफ़ी मिल रही है, वो भी इतनी अच्छी, तो काफ़ी सही है यार. तो आप लोगों को ये तो दिखाया नहीं भाई, ये है कुछ आर्मेनिया की करेंसी. 5,000, 1,000, 10,000 की भी नोट रहती है भाई, 20,000 की भी नोट रहती है. और ये जो 5,000 देख रहे हो ये इंडिया के 1,000 रुपया होता है. इंडिया का 1 रुपया, आर्मेनिया का 5 रुपया होता है. तो भाई अपनी करेंसी यहाँ पर बड़ी है. ये 5,000 भाई इंडिया का 1,000 रुपया हुआ, तो ठीक ठाक है यार. हमारी आ गई है न्यूटेला विद कॉफ़ी. ये देख सकते हो ये मेरी कोल्ड है और ये हमारे सैम भाई की हॉट है. तो काफ़ी ठीक ठाक है यार 150 रुपये की. हेलो, व्हाट्स योर नेम? मरीना. थैंक यू सो मच. हाउ टू सर थैंक यू इन आर्मेनियन? स्नोर स्नोर अकालुचुन राइट. थैंक यू. अब हम आ गए हैं येरवान के सबसे ज़्यादा फेमस जगह, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. इस जगह का नाम है कैस्केड. आप देख सकते हो यहाँ पर पहाड़ सा बना हुआ है, उसके ऊपर चढ़ेंगे तो भाई आप लोगों को बहुत ही अच्छा माउंट अरारात का व्यू मिलेगा, जो कि है टर्की में. और यहाँ का सारा नज़ारा देखिए, ईजिली यूरोप की कोई भी अच्छी सिटी से इसको कंपेयर कर सकते हैं. इस जगह का डिज़ाइन और माहौल देख सकते हो यार, बहुत ही मस्त लग रहा है यार. बहुत ही अच्छा गार्डन है, लोग यहाँ आकर बैठे हुए हैं. धीरे धीरे जैसे शाम हो रही है यहाँ पर, यहाँ के लोकल जो आर्मेनियन है वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो रहे हैं. तो चढ़ते हैं हम पूरा ऊपर तक और ऊपर से भाई व्यू दिखाता हूँ. इतना अच्छा लगता है आप लोगों को, पूरा टर्की का व्यू भी देखने मिलेगा. और क्या बात है यार, ये क्या लिखा हुआ है यार. दूर से जितना छोटा लग रहा था उतना है नहीं, आधा घंटा लगेगा ही ऊपर जाने में. बहुत ऊपर तक है. और ऐसे कुछ सारे सोवियत आर्किटेक्चर आप लोगों को चारों तरफ देखने मिलेंगे. खूबसूरत सी बिल्डिंग ये देखिए. तो यार आप देख सकते हो हम वहाँ से चलना स्टार्ट किए थे, तकरीबन 10 मिनट लगा यहाँ तक पहुँचने. और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है भाई, मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ. और ऊपर जाके अभी बहुत ज़्यादा बाकी है, लेकिन अभी हमको मालूम पड़ा यहाँ से एस्केलेटर भी ले सकते हो. एस्केलेटर लगी हुई है पूरा नीचे से, आपको चढ़ने की ज़रूरत नहीं. तो हमको तो इतना चढ़ने के बाद मालूम पड़ा. और दूर पे पीछे आप देख सकते हो माउंट अरारात. माउंट अरारात के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ, पहले हम ऊपर चढ़ जाएँ. क्या व्यू दिख रहा है यार यहाँ से. तो यार लगभग हम पूरा ऊपर पहुँच गए और आप पीछे व्यू देख सकते हो यार,
कितना ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई। और आप लोगों को चल के आने की जरूरत नहीं, वहां पर आप लोगों को एस्केलेटर मिल जाएगा जिससे आप ऊपर आ सकते हो। पीछे देखिए कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा और बाकी, इतना हमको पैदल चल के जाना है, वहां चलता हूँ फिर आप लोगों को और अच्छे से दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई, ये शहर जो है वो काफी ज्यादा अलग है यार बाकी शहरों से। फाइनली हम आ गए ऊपर भाई, और पहले मैं फोटो भी छुआया हूँ थोड़ा, क्योंकि क्या ही ज्यादा खूबसूरत व्यू दिख रहा है। आप देख सकते हो पूरी गिलगित सिटी का व्यू दिख रहा है, और जो आप पीछे पहाड़ देख रहे हो ये है माउंट अरारात, जो कि है टर्की के अंदर। तो आप सोच सकते हो भाई सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर दूर जाएंगे तो टर्की स्टार्ट हो जाएगा। उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ, पहले आप लोगों को यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ। यार क्या ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, और क्या ही ज्यादा अच्छा मौसम हुआ है। अभी मैं 5 मिनट यहीं बैठा हुआ था, देखिए यहाँ अलाउड तो नहीं लेकिन मैं यहाँ के आराम से बैठा, और ये व्यू देखिए यार। तो यार मैं आप लोगों को थोड़ा व्यू दिखाते दिखाते माउंट अरारात के बारे में बताता हूँ। ये जो माउंट अरारात है ये एक बिब्लिकल माउंटेन है भाई, इसको बहुत ज्यादा होली माउंटेन मानते हैं क्रिश्चियन, क्योंकि क्रिश्चियंस का ऐसा मानना है जो नोआस आर्क थी, जो नूह अलैहिस्सलाम की जो नाव थी वो इस पहाड़ में आके फंसी हुई थी, ऐसा उनके बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए जो ये पहाड़ है उनके लिए बहुत ही ज्यादा होली है। और ये पहाड़ जो है वो ईयर 1921 से पहले अर्मेनिया में हुआ करता था, सोवियत यूनियन में हुआ करता था, लेकिन ईयर 1921 के बाद ये चले गया टर्की के अंदर। ये माउंट अरारात है तो टर्की में, लेकिन ये फिर भी अर्मेनिया का सिंबल है आप लोगों को हर जगह। जैसे कि आप लोगों ने देखा मैं फ्रिज मैग्नेट खरीदा, उस पर भी आप लोगों को माउंट अरारात देखने मिलेगा। यहाँ बहुत सारी चीज़ें, दुकानों का नाम, बहुत सारे ब्रांड का नाम अरारात से आता है, क्योंकि भाई ये मानते हैं बहुत ज़्यादा होली उसको। तो चलते हैं अब आगे, हम देखते हैं। हेलो, व्हाट्स योर नेम? जाना मरीना जाना। सो यू आर फ्रॉम Yerevan? No, I'm from Russia. Oh, you're from Russia? Yeah. Здравствуйте, привет. I know it. Hello. Actually, I'm going to Russia, to Moscow. Yeah. Where are you from in Russia? Which part? Krasnodar. Okay, so where it is, near Moscow, St. Petersburg? No. Is it far? It is far. ओके ओके तो हम नीचे उतरते, यहाँ पे थोड़ा सा मिल गए, ये रशिया से, मुझे लगा अर्मेनिया से, तो थोड़ी सी बातचीत हुई। हेलो, प्रिवियत प्रिवियत। सो ये भी वीडियो बना रहे साथ में। दस्ते पीछे काक दिला, काक दिला खरोशो, ओशन खरोशो, मिनिया जबूत अनस, मिनिया जबूत। नाइस टू मीट यू टू, nice to meet you too. A YouTuber. Oh, nice to meet you. Do you have YouTube? Instagram. YouTube. Instagram. Yeah. तो भाई ये भी शो। ओके तो भाई मैं इनको अपना Instagram दे देता हूँ। This one. Are you serious? Wow. Wow. You can also, you have YouTube? Yeah. Oh yeah. Travel with AK. Travel with AK. The first one. This one. Wow. Let's go. Cool. Yeah. Спасибо. Спасибо. Wow. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you. Oh, she's making. Hello everyone. Привет. Здравствуйте. It's my new friend. My new friend from Russia. Yeah. I'm from India. India. Yeah, I'm from India. From Iran? Yeah. I'm from India. Iran, assalamu alaikum. Durud. I'm Muslim. I'm Indian. I am too. Hi, you're Muslim? Yeah. I'm Muslim. What's your name? Jana. Jana? Huh. My name is Muhammad Anas. Nice to meet you. Yeah. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. So nice to meet you. I'm too. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Спасибо. जैसा कि आप लोगों ने देखा हम यहाँ से नीचे उतर रहे थे, सो काइंड भाई, हम नीचे उतर रहे थे तो भाई मैं वीडियो बना रहा था तो वो बहुत क्यूरियोसिटी से देख रहे थे, तो सैम भाई हाई किए तो बातचीत होने लगी। तो जैसे कि आप लोगों ने बाकी बातचीत तो सारी देख ली, रशिया जाने से पहले रशियन लोग मिल गए तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। अब उतरते हैं नीचे भाई, कुछ खाने पीने का इंतजाम, देखते हैं भाई, भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है।
यार कितनी ही अच्छी जगह है शाम में यहाँ आके बैठने के लिए। यहाँ अपनी फैमिली के साथ आप आ सकते हो, पूरे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, यहाँ पर गार्डन एरिया है और बहुत ही आराम से अपना टाइम गुजार सकते हो यहाँ पर आके शाम में। और यहाँ भी देख सकते हो थोड़ी थोड़ी बैठने की जगह बनी हुई है। तो यार क्या व्यू हो गया यार। और अभी टाइम देख सकते हो, अब हो रहा है 7:30 और बिल्कुल भी अंधेरा नहीं हुआ है और माउंट अरारात का क्या ही अच्छा व्यू दिख रहा है। और देख सकते हो माउंट अरारात के ऊपर जो है वो सर आप लोगों को बर्फ़ देखने मिलेगा। भाई लिटरली टेम्परेचर यहाँ 30 डिग्री है लेकिन सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर दूर आप लोगों को बर्फ़ देखने मिलेगा। तो उतरते हैं नीचे, देखते हैं भाई खाने के लिए क्या मिलता है। तो अब हम फिर आ गए रिपब्लिक स्क्वायर पे और यहाँ का माहौल जो है ना भाई बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाला है क्योंकि भाई यहाँ पर अभी फाउंटेन वाला शो चालू होने वाला है और यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ी मार्केट लग गई है। लेकिन उससे पहले भाई हम जाएंगे खाना खाने। हम आर्मेनियन खाना ट्राई करने वाले थे लेकिन मैंने बोला सैम भाई को इंडियन खाना खिलाता हूँ, तो यहाँ पर पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, तो चलते हैं भाई इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट कितना महंगा है कितना सस्ता, सारी चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। फिर उसके बाद हम यहाँ वापस आएंगे, फाउंटेन शो देखेंगे। यहाँ पर बहुत ही तगड़ी वाली भीड़ भी लगना चालू हो गई है, तो चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट उस तरफ है, यहाँ से 200 से 300 मीटर है। तो देख सकते हो हम पहुँच गए हमारे डेस्टिनेशन इंडियन रेस्टोरेंट और इस रेस्टोरेंट का नाम है इंडियन पैलेस रेस्टोरेंट और मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और बहुत ही अच्छा बना हुआ है यार। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ आर्मेनियन में भी लिखा हुआ है। चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाता हूँ भाई कितने का खाना है और सारी चीज़ें। तो यार देख सकते हो हमारा खाना आ गया है और हमने ऑर्डर किया है, ये रहा मलाई कोफ्ता और ये रहा राजमा और थोड़ा जीरा राइस हमने ऑर्डर किया है और ये है बटर नान। तो भाई बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और ये जो इंडियन रेस्टोरेंट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन भाई पहले बैटिंग करते हैं, मिलते हैं। तो यार वहाँ से खाना खा के निकल गए हैं, बिल हुई थी 11,000 दिरहम जो कि तकरीबन होता है मेरा ख्याल है जो कि अराउंड होते हैं 2200 रुपये जो कि ठीक है भाई लोगों के लिए, बाहर थोड़ा सा महंगा है लेकिन खाना भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हाउ इज़ द फूड? वेरी टेस्टी। तो भाई आप लोगों को बता ही चुका हूँ, राजमा मंगाए थे और मलाई कोफ्ता मंगाए थे, जीरा राइस था, फिर उसके बाद बटर नान थी। तो भाई फॉरेन कंट्री में और एकदम सिटी सेंटर के पास, आप देख सकते हो बिल्कुल सिटी सेंटर पे हैं हम और बस वहीं पे था रेस्टोरेंट, तो उसके हिसाब से भाई 2200 ठीक है। तो आप देख सकते हो वहाँ पर दूर पर फाउंटेन शो चालू हो गया। चलते हैं वहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। और सैम तो भाई अपने जा रहे हैं। ब्रदर यू आर गोइंग, सी यू इन द हॉस्टल आफ्टर 1.5 आवर। ओके सी यू, थैंक यू सो मच। देख सकते हो रात के 10 बज गए हैं, चलते हैं उस तरफ आप लोगों को दिखाता हूँ। इतने सारे लोग आए हुए हैं यार, है तो काफ़ी ठीक ठाक, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार। और रात के टाइम का यहाँ का नज़ारा देखिए कितना ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो यार आप लोगों को ज़्यादा मैं वाटर शो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा म्यूज़िक की वजह से, लेकिन ठीक ठाक है यार। तो यार जहाँ पर लाइट और वाटर शो हो रहा था वो उस तरफ, वहाँ से मैं आ गया हूँ इस स्ट्रीट पे। भाई ये स्ट्रीट बहुत ही ज़्यादा मस्त है, जैसे इस्तांबुल में इस्तकलाल स्ट्रीट है बिल्कुल वैसी लग रही है। यहाँ पर जगह जगह पर आप लोगों को लोग नाश्ते गाते हुए दिखेंगे, तो यहाँ भी कुछ प्रोग्राम चल रहा है आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो यार लिटरली करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जहाँ देखो वहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है। ओ भाई ये कार देखिए क्या ही ज़्यादा खूबसूरत सजा के रखे हैं यार। अच्छा ये सुवीनियर की दुकान है, आप देख सकते हो फ्रिज मैग्नेट से लेके देखिए सब चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। तो यार बहुत टाइम हो गया स्ट्रीट पर घूमते हुए, बहुत सारी अच्छी अच्छी भाई आप लोगों को यहाँ कैफे देखने मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ सुबह से घूम रहा हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई कल उस स्ट्रीट पे आप लोगों ने देखा था हम घूम रहे थे, घूमते घूमते भाई बहुत ज़्यादा थक गया था, तकरीबन आप समझ सकते हो कल मैं 11 से 12 किलोमीटर चला, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और हॉस्टल मेरा पास में था तो मैं हॉस्टल पे आ गया। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये मेरा हॉस्टल है, मैं आप लोगों को थोड़ा हॉस्टल दिखाता हूँ फिर इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। देख सकते हो ये सारा कुछ बाहर का एरिया है और चलते अंदर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अंदर का कैसा है। ये सारा कुछ किचन का एरिया है, बहुत ही अलग सा हॉस्टल है भाई, ये देखिए
ये ऐसी सीढ़ी सी लगी हुई है किचन के बाहर, आप लोगों को खिड़की देखने मिलेगी। ये सारा कुछ किचन का एरिया जो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो हॉस्टल में रुके हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर है कॉमन एरिया, यहाँ बैठ के अपना खाना यहाँ बनाइए और यहाँ पर आराम से बैठ के खाइए। यहाँ पर आप लोगों को फ्रिज मिल जाएगी, अपना सामान ला के रख सकते हो। और ये सारा कुछ रहा रूम, यहाँ स्लो बोलना पड़ेगा, देखिए यहाँ 8 से 10 बेड लगे हुए हैं। ये ऐसा कुछ दिखता है भाई, यहाँ ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि लोग हैं पहले से। तो आप लोगों ने हॉस्टल देखा, यहाँ का कुछ ऐसा हिसाब किताब है भाई। ज़्यादा महंगी सिटी नहीं है लेकिन आप लोगों को हर एक चीज़ मिल जाएगी जो आप लोगों को यूरोपियन सिटीज़ में मिलती है, जो यूरोप की बड़ी बड़ी सिटीज़ है जैसे पेरिस हो गया, बार्सिलोना हो गया, वहाँ देखने मिलेगी, वो यहाँ भी देखने मिलेगी। लेकिन यहाँ का कैसा, यहाँ थोड़ा सा सस्ती है चीज़ें। तो बहुत ही अमेजिंग सिटी है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिटी है। इस वीडियो में आप लोगों को सारा शहर घुमा दिया। तो रखते हैं ये वीडियो को यहीं तक, होप आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ में।